अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं आया हुआ था यहाँ टिब्बे पर अपनी गंदम के पास, थोड़ा ट्रपैन पर काम था, वहाँ गया। तो वहाँ से आने के बाद मैं अब आया हूँ यहाँ राय की फसल के पास। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सारा राय ही राय है। तो ये 4 से 5 बीघे यहाँ काश्त किए हुए थे। मैंने आपको बताया भी था, पहले भी दिखाया था जब ये थोड़ा कच्चा था। तो अब इसकी कटाई शुरू हो रही है, तो मैं आप दोस्तों को इसके मुतालिक बताता हूँ। और ये अब ये राय को ना काट के एक जगह इकट्ठा करके इसकी ढेरी लगा के ना फिर थ्लैशर के ज़रिए इसे निकालेंगे। तो वो भी जब काम शुरू होगा तो उसके मुतालिक भी आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो मैं ये भी दिखाता हूँ भाई क्या काम कर रहे हैं। तो ये राय का ना मैं आपको ये वीडियो बना के ये आपको मैं दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले जो दोस्त भाई मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल शफकत व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सामने भाई राय की कटाई कर रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये राय ऐसे काटा जाता है। तो ये ऐसे दाती से काट के ना, अब ये आप देख सकते हैं सारा ये इन्होंने ढेरियाँ लगाई हुई हैं। देखिए ये बचा हुआ है बाकी काटने वाला, और ये भाई काट रहे हैं। तो ये इस तरह ना काट के इस तरह थब्बे बना के रख देते हैं। तो मैं आज उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कहा आपको ज़रा वीडियो अच्छे से समझा दूँ। तो मैंने कहा भाइयों से आज उर्दू में वीडियो बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये भाई काटने रहा। तो ये मैं आपको बीज दिखाता हूँ इसका, ये देख सकते हैं। क्योंकि जो ये आपके सामने ये जो हरा बीज है ना, वो अब इन्होंने ढेरी लगा के रख देनी है। वो फिर जब धूप लगेगी 2 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन भी लगे, वो सामने आप देख सकते हैं वो ढेरी लगी हुई है। ऐसे ढेरी लगा के इन्होंने रख देना है इकट्ठा करके। ये सारा ऐसे खड़ी हुई थी फसल, इन्होंने बाकी काट लिए, आधा हिस्सा काट लिया और आधा ही रहता है। ये इंशाल्लाह दोपहर तक उम्मीद है ख़त्म कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। वैसे इस दफ़ा देखा जाए तो सुनने में आया, अभी मैंने मालूम तो नहीं किया मंडी से, लेकिन दोस्त ही कह रहे थे कि 5 से 6 हज़ार रुपये रेट है राय का इस टाइम। तो चक्कों वाली साइड पर भी मालूम हुई है कि 25 से 30 मन एकड़ से राया आ रहा है। तो जब ये इस राय को यहाँ थ्लैश लगा के निकालेंगे तो फिर इसकी औसत भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो ये भाई आप देख सकते हैं सामने काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने राय की फसल के मुतालिक आपको आज बताया कि इसकी कटाई किस तरह होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को मेरा आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक करके उसको ऑल पे कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।